सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। यूपी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बप्पी लाहिड़ी का मंगलवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनका मुंबई के जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में रात 11 बजे निधन हो गया था। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10 बजे जुहू के लाहिड़ी हाउस से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। बप्पी लाहिड़ी को सोना पहनना और चश्मा लगाकर रखना बेहद पसंद था और गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियों समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान थी। बप्पी लाहिड़ी को बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता है। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर जुटे सपा और भाजपा सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भाजपा अपना दल के कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद का नारा लगाया, तो जवाब में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सपा ने जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि सपा के जिला अध्यक्ष को अंदर नहीं जाने दिया गया, धक्के मार कर हटाया गया, जबकि भाजपा के जिला अध्यक्ष को अंदर जाने की अनुमति दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए मौजूद पुलिस बल के सामने ही पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध जताया। साथ ही कहा कि यही पुलिस चुनाव के दौरान गड़बड़ी पैदा करेगी। को जाने दिए हैं, आप पूरा बिकी हुई है, यही लोग बेईमानी कराएंगे चुनाव में। ये पुलिस प्रशासन में बुरा विश्वास नहीं है, ये प्रत्याशियों को नहीं जाने दे रहे हैं। किस किस मामले को लेकर गर्मा गर्मी? हमारा प्रत्याशी वही रोक लिया गया, किस पार्टी का प्रत्याशी? आज समाजवादी पार्टी का, मेरा गठबंधन का समाजवादी पार्टी, और भाजपा के प्रत्याशी गाड़ियों से काफिला लेके आया हुआ है और जिला अध्यक्ष को लोग अंदर किए हैं। पुलिस प्रशासन जितनी यहाँ पे लगी हुई है कलेक्टर गेट पे, पूरी तरह से बिकी हुई है। ये भाजपा के लोगों को ये चंदे में बिके हुए हैं, 10 रुपए के लिए बिके हुए हैं लोग हैं ये। आपके प्रत्याशी भाजपा के जिला अध्यक्ष कैसे गए हैं अंदर? हमारा जिला अध्यक्ष नहीं गया है, रोक लिए है ये लोग। भाजपा जिला अध्यक्ष अंदर गया हुआ है, हमारा जिला अध्यक्ष को रोक लिया गया है। अभी विपिन दरोगा जी अभी हमारा जिला अध्यक्ष को धक्का दे के रोके हैं, धक्का दे के हटा दिए हैं। खबर चित्रकूट से है, जहां मानिकपुर से एनडीए प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी को बरगढ़ क्षेत्र में महिलाओं का भरपूर समर्थन मिला। इस दौरान महिलाओं ने पूजा अर्चना करते हुए अविनाश चंद्र द्विवेदी की जीत की कामना की और महिलाओं ने प्रत्याशी को सहयोग और जीत का भरोसा भी दिया। वहीं महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिलने के बाद अविनाश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि विधायक बनने के बाद वो महिलाओं के लिए सबसे पहले काम करेंगे। मिर्जापुर जिले की 2 सीटों पर सपा गठबंधन के साथ से जुटी अपना दल कामेरवादी के खाते में आ गई है। मणिहान सीट से अवधेश पटेल, चुनाव क्षेत्र से सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर एस पटेल ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। वहीं जिले में अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी लिफाफा चुनाव चिन्ह पर जनता के बीच वोट मांगे। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज की जो संयुक्त प्रेस वार्ता है, समाजवादी पार्टी, अपना दल कमेरावादी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, रालोद तथा संयुक्त गठबंधन की तरफ से आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। मूल आशय यह है कि कल गठबंधन के 2 प्रत्याशियों का चुनार से और मणिहान से, चुनार से डॉक्टर आर एस पटेल और मणिहान से अवधेश पटेल साहब का नामांकन का कार्यक्रम है। इन तमाम विषयों को लेकर आज आप सबके बीच में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। असमंजस बना हुआ है कि कमेरावादी जारी कर दिया लेकिन सपा मानी नहीं है, इसको क्या करते हैं? न तो समाजवादी पार्टी की तरफ से असमंजस है, न तो हमारे गठबंधन की तरफ से असमंजस है, सब साफ है, सब साफ है, इसीलिए कल हम नामांकन कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने गोवर्धन मेला ग्राउंड चरखारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से डॉक्टर संतोष लोधी को जिताने की अपील की। दरअसल 231 चरखारी विधानसभा से जन अधिकार पार्टी ने डॉक्टर संतोष लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
हम आज महोबा जिले के चरखारी विधानसभा में आए हैं। चरखारी विधानसभा में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी संतोष सिंह जी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बाबूजी, एक तरफ जो है बिल्कुल बच चुका है और आगामी 20 फरवरी को चुनाव है और बयान लगातार आ रहे हैं, कोई कह रहा है चर्बी पिघला देंगे तो कोई कह रहा है गर्मी उतार देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हमें ना चर्बी पिघलाने से ना गर्मी उतारने से मतलब है, हमें तो इस प्रदेश की देश की जनता की विकास से मतलब है कि उसके लिए अच्छे स्कूल हो जाएँ, बच्चों के लिए रोजगार हो जाए, किसान को बिजली फ्री मिल जाए, खाद बीज उसे फ्री मिल जाए और सिंचाई के लिए उसको बिजली फ्री मिले और उसके फसल की सही कीमत मिल जाए। हम तो इस बारे पे बात करना चाहते हैं, बाकी चर्बी पिघलाने से और गर्मी से हमारा कोई लेना नहीं। कानून व्यवस्था भाजपा सरकार कर रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है? बीते दिनों आपके ना कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सही थी, ना समाजवादी पार्टी की सरकार में सही है। खबर कुशीनगर से है, जहां नौरंगिया गांव में पल भर पहले खुशी का माहौल था, वहां अब मौसम पतरा है और चीखे हैं, बदहवास महिलाएं हैं। गांव के कुएं पर शादी की एक रसम मौत लेकर आ गई, हंसते खेलते 30 लोग कुएं में समा गए, कैसे क्या हुआ ये किसी को समझ नहीं आया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हल्दी से जुड़ी एक एक रसम मटकोड़वा के लिए औरतें व लड़कियां कुएं पर पहुंची थी। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री ने गहरा शोक जताते हुए अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। एक दुखद हादसा हुआ, ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही उनको ब्रॉड डेड होता। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मार्चुरी में हैं और सारे महिलाएं और बच्चियाँ हैं और दो की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। आने के बाद कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 साल से प्रदेश और देश के सभी स्कूल बंद थे जो कि अब खुल चुके हैं। वहीं सभी बोर्ड के कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई अब शुरू हो गई है, जिसके बाद LKG और UKG के बच्चों ने भी अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चों और अभिभावकों ने खुशी जाहिर की। जबकि अभिभावकों ने स्कूल आने वाले बच्चों को कोरोना महामारी से बचाव के तरीके तो बताए ही और साथ ही बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए कक्षा में बिठाया। खबर श्रावस्ती से है, जहां भीगना कोतवाली क्षेत्र के बलिदानपुरवा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर महिला समेत मौके पर मौजूद बुजुर्ग के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चीख पुकार सुनकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पहले तो इसे कहा मारे शुरू की है और वो हल्ला किया औरत से कि हाँ हमें मार डाली नहीं, ननकुन जो जिसका मामला था हमारे सबके कभी मामले नहीं रहा, उसने मारा उनका हुआ बंद कह रहे अंदर है और झूठ हियाँ बताए दिन कि मार डाली नहीं, बस हमें सबका मारे चक्कर में है ये लोग हियाँ। इनका अच्छा लड़का चार लड़कियाँ और दो या कुकर काका या कपना और या उसका भाई, 7 लोग समझो कि लाठी चलाए दी। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक शराबी पिता के अपनी बेटी पर गड़ासे से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। वही थाना रोरावर में शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची पीड़ित पूनम ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पति शराबी है और आए दिन पूनम और उसकी बेटी के साथ मारपीट करता है। फिलहाल पुलिस ने शिकायती पत्र स्वीकार करते हुए कार्रवाई की बात की है। पूनम, क्या हुआ है पूरा मामला? ये मैं दब मुझे 3 तारीख से रोज मारता पीटता है। कौन है जो मारते हैं आपको? मेरे घर वाला है, ऋषिपाल नाम है, उसके पापा का नाम महेंद्र है और क्या नाम है, हम वो बोलते हैं ना किसी को बुलाते हैं तो हमें मारता है। पता है इन्हें क्यों बीच लगा रही है, क्या लगते हैं तेरे,
और क्या नाम मार आज बैटरी लेने गई थी मैं, बीमार थी मैं, दवाई लेकर लौट गई थी, तो इसमें लड़की बैटरी लेने गई, क्यों गई थी बैटरी लेने, मैं दुकान नहीं चलवा रहा हूँ, मैं तो भूखा मारूंगा भीख मंगवाऊंगा तुम लोगों पे। ये क्या नाम है आपका? नंदिनी। क्या हुआ है आपके साथ? शराब पी के मारपीट की है मेरे पिताजी ने मेरे साथ। कहाँ चोट लगी आपको? आपके पिताजी है वो? जी हाँ। बताइए पूरा मामला क्या है, किस बात का? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर पुष्प अर्पित किया और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही सीएम योगी ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बुंदेलखंड में माफिया पूरी तरीके से गुंडा राज और माफिया राज अब खत्म हो चुका है। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।